ये जो नीम के तेल का छिड़काव कर रहे हैं, इससे अपने फसलों को क्या-क्या लाभ है? भैया नीम का तेल जो है इसके अंदर कार्बनिक उत्पाद होता है, और यह फसल के मित्र कीट जो है उसको उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो फसल के अंदर कपास की फसल के अंदर जो मित्र कीट रहते हैं जो कि फसल को फायदा पहुंचाते हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वातावरण के ऊपर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, और हमारी कपास की फसल रस चूसने वाले कीड़ों से बची रहती है, इसकी सुरक्षा इससे हो जाती है। और ये नीम का तेल इतना कड़वा होता है कि सभी जानवर जो भी कीड़े हैं वगैरह वो इसके आसपास ही नहीं आते हैं, और ये जो कि इनके कीड़े अंडे वगैरह जो है उनको भी नष्ट कर देता है। और नीम का तेल आसानी से हमें मिल जाता है, और रासायनिक दवाई के अलावा रासायनिक दवाई की तुलना में इससे इसका खर्च बहुत कम है, बहुत सस्ता मिलता है। अरे ये जो नीम का तेल है, ये हमें कहाँ मिल सकता है? भैया ये नीम का जो तेल है ये बाजार में दुकानों पर भी मिल सकता है, और कृषि विभाग से भी हमें आसानी से मिल जाएगा। दादा, आज जो आपने हमें नीम के तेल के छिड़काव करने की इतनी अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी आज आप अपने किसान भाइयों को, आसपास के किसान भाइयों को देना चाहोगे? मैं अपने आसपास के किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिनके जिन किसान भाइयों के कपास के खेत में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वो 7 से 8 दिन के अंतराल में नीम के तेल का छिड़काव करें, और अपनी फसल को इल्लियों के प्रकोप से बचाएं और अच्छी पैदावार पाएं और लाभ कमाएं। आपने हमें नीम के तेल की छिड़काव करने की इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आशा संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।